मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं हम लोग बात करें क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.4 है, तो इसमें हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको इसमें अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूँ, ठीक है। तो और आप इसे याद भी कर लेंगे कि इसे कैसे कन्वर्जन होता है इसमें आपको, और ठीक है, और आपको इसमें पता भी चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो चलो फिर उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। हम लोग जब पहले सबसे पहले रीड करेंगे क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है कि इन्हें एक्सप्रेस करना है रुपीज में, और वो रुपीज में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल, डेसिमल लगाकर, ठीक है। चलो तो हम फटाफट इन्हें डेसिमल लगाकर इन्हें एक्सप्रेस कर देते हैं रुपीज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5 पैसे। तो भाई यहाँ पे 5 पैसे है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 क्या पैसे मिलकर क्या बनाते हैं, पैसे मिलकर क्या बनाते हैं, इज इक्वल टू वन रुपी बनाते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसी बेस पे पूरे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे यहाँ पे राइट डाउन कर लो। यहाँ पे 5 पैसे को लिख लिया हमने, 5 पैसे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम जब इसे रुपी में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो जब हम इसे रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब जब है तो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी मिलकर 1000 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर उसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो ये हमारा हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो फिर अब इसे हम जब 5/100 को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा फ्रेंड, हमारा आंसर आएगा, देखो सबसे पहले तो साइन लगाना भूलना मत, वरना क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर आएगा 0.05। यहाँ पे आप चाहे तो कर भी सकते हैं, उससे आपका और अट्रैक्टिव लगेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी गलती होगी तो टीचर मार्क्स ना काटे। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें काफी ज्यादा अच्छी लगती है टीचर्स को देखने में भी, और हमें भी क्वेश्चंस को करने में अच्छी लगती है। मैंने ये सब क्यों लिखवाया है, बिकॉज कि यहाँ पर मैं चाहता तो सीधा आंसर लिखवा देता 5/100 = 0.05, ठीक है। बट मैंने ये सब लिखवाया क्योंकि देखने में अच्छा लगता है और इससे थोड़ा सा चांसेस रहता है कि गलत होने के बाद भी मार्क्स मिलने के थोड़े से, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया अपना। फ्रेंड्स हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे राइट डाउन कर लिया। अब हमने जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बट इन क्वेश्चन में एक चीज कॉमन रहेगी जो कि है हमारा ये फॉर्मूला जो है 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। ये चीज हमारी कॉमन रहेगी, सब में स्टार्टिंग में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना जो भी क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, 75 पैसे को हमें डेसिमल में लिखना है, मतलब में रुपीस में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, पैसे 75 पैसे हमें कितने दिए गए हैं, 75 पैसे दिए गए हैं हमें, जिसने भी दिए हैं, ठीक है। अब इसे हमें इस पैसे को कन्वर्ट कर देना है किसमें, रुपीज में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे किया है हमने 75 × 1/100 में करेंगे, ठीक है। 1/100 में करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में आ जाएगा 75/100 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
ठीक है। तो अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, अब जब हम इसमें 100 से 175 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा दोस्तों अब ये एक्सप्रेस हो जाएगा रुपीज में। तो यहाँ पे साइन लगा देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ साइन लगाना मत बोलना, साइन लगाना भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे जब कर देंगे तो एक्स मतलब डिवाइड कर देंगे यार, नॉर्मल सी बात है, डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आएगा आंसर 0.75। हो कि आप जब डेसिमल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज जरूर पता होगा कि डेसिमल के बाद वाले नंबर को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 0.75, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और इजिली कोई भी आदमी देखेगा या कोई भी टीचर देखेगा तो ये समझ जाएगा कि हमने कैसे किया, पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, जो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे लिख लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने 1 और 2 किया। अब इसमें सेम चीज क्या होगी, वही हमारा फॉर्मूला है जो ये देखो लिख लिया हमने, ये देखो पैसे इज इक्वल टू कितने रुपये होते हैं, 1 रुपये होता है। तो अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ठीक है। 20 पैसे को हमें करना है एक्सप्रेस, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। देखो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स से बता रहा हूँ, जिनसे आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इन्हें यार ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करो, ठीक है। अब चलो कर लो, इसे भी हो गया 20 अपॉन 100 हो गया। अभी इसे जब डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.20, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग डेसिमल के बाद वाली डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते। ऐसे ही हमने क्वेश्चन ए बी और सी डन हो गए हमारे, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हमने राइट डाउन कर लिया है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, बाकी के क्वेश्चंस में इसमें अलग है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 50 रुपीज दिए हुए हैं, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। तो बट इसमें भी सेम चीज रहेगी जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसे पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद में ये 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपी लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन उतार लो, यहाँ पे 50 कितने करना है, 50 रुपीज को करना है, इसमें रुपीज भी दिया हुआ है पैसे भी दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो रुपीज है उसे तो हम उसे तो एज इट इज लिखे रहने देंगे, और जो पैसे है उसे पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे इसे 90 पैसे को, ठीक है। 90 पैसे को हम लोग पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, ठीक है। 90 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 100 में, ठीक है, यही होगा। देखो अब 90 अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 अपॉन 100, यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 0.90, ठीक है। अभी हमारे पास बचा क्या है, 50 रुपीज और बच रहे हैं हमारे पास, तो प्लस करेंगे इसमें 50, ठीक है। अब इसमें 50 जब प्लस करेंगे तो अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी किसी भी नंबर के डेसिमल नहीं लगा होता तो हम समझते हैं उसके राइट साइड डेसिमल है, तो हम ऑटोमेटिकली राइट साइड डेसिमल लगा लेते हैं। तो ये जब इसमें राइट साइड डेसिमल लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, 0.90 है, और ये 50.00 होगा, तो बड़ा कौन सा होगा, 50 बड़ा होगा या 0.90। वंस प्लेस पे क्या है, इसकी वंस प्लेस पे 0 है और इसकी भी 0 है, बट ये बड़ा है क्योंकि ये वंस प्लेस पे 50 आ रहा है, इसके जो वंस प्लेस है उस पे 50 आ रहा है, क्योंकि ये 50 रुपीज है और ये 0.90 रुपीज है, तो बड़ा है 50 रुपीज। तो अब इसे जब हम प्लस करेंगे, देखो यार यहाँ पर साइड में लाइन खींच लो, रफ वर्क डाल दो, रफ ऐसे उल्टा सीधा रफ वर्क डाल दो, अब यहां पर लिख लो 50 को,
ठीक है, सबसे बड़ा 50 है, तो हमें वह 50 प्लस करेंगे जब किसी भी नंबर के आगे डेसिमल नहीं लगा हो, तो हम समझते हैं राइट साइड डेसिमल है। और अब हम इस नंबर को भी लिखेंगे, इस नंबर को कि यहां से लिखेंगे जी नहीं, हमेशा डेसिमल में जब भी प्लस करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, तो जब जीरो यहां पे आएगा तब इसका भी डेसिमल यहां पे आएगा, तो यहां पर जीरो लिखेंगे और यहां पर प्लस कर देंगे जब, तो आंसर कितना आएगा, इसका आएगा आंसर आएगा 50.90 रुपीज। ठीक है, तो इक्वल टू लगाओ यहाँ पर और यहाँ पर आंसर लिख दो कितना आया, आंसर आया कितना 50.90। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। इस रफ वर्क को अच्छे से लिखिएगा ताकि मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि पेपर्स में अट्रैक्शन करने के लिए टीचर्स का ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं और लगती भी अच्छी है लिखने में भी, हमें भी अच्छा लगता है लिखने में और टीचर्स को भी लगता है देखने में अच्छा। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी सॉल्व करते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे राइट डाउन कर लिया, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे हमने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो चलो इसमें सबसे पहले हम लोग अपनी जो कॉमन चीज है, जो पूरा मेन है, उसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 725 पैसों को रुपीज में एक्सप्रेस करना है, पैसे इज इक्वल टू किस में करना है, रुपीज में एक्सप्रेस करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, अब जब 1/100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना आंसर आएगा, 725/100 हो जाएगा। अब जब 725/100 होगा, जब इसमें हम डिवाइड होंगे तब इसका आंसर आएगा 7.25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं है तो आप करके भी देख सकते हैं साइड में, बट इसका आंसर यही आएगा 7.25। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन सारे कैसे किए, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना हो, इजी से इजी मेथड भी बताया। होप कि आपको इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी यहाँ पर लाता रहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो में।